तुम्हारी गलती क्या भाई, मैं सामने वाले को बोल के गया था, 1000 रुपए मेरे तो गायब हो गए ना यार। आप लोगों ने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। एक तरीके का सोशल एक्सपेरिमेंट है ना। अभी तक आपने चैनल पे देखा होगा सिर्फ दोस्तों के साथ जो हम प्रैंक करते थे, मस्ती करते थे, वो ही देखा है। लेकिन अब जो अभी सोशल मीडिया पे जो वो चल रही है, फेक न्यूज चल रही है, उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रैंक सोचा है जो कि बेहद घटिया थी। उस लड़की ने अपनी नाक फोड़ ली। मुझे नहीं पता लोग ऐसे क्यों करते हैं, मैं किसी को गलत नहीं ठहराना चाहूँगा, पर ये प्रैंक रियल है और ये लाइव है, जो कि हम अभी कैमरे सेट करेंगे, पूरा सेटअप जमाएंगे और इस तरीके से जोमेटो बॉय के साथ मैं अभी कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता हूँ और उसको बुला के उसके साथ प्रैंक करके देखते हैं। किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ तो ये किसी को मस्ती के तौर पे है। हाँ, तो सिर्फ एक ये मस्ती के तौर पे और सोशल अवेयरनेस की तरफ से है कि कैसे क्या रिएक्ट करता है आदमी और क्या नहीं करता, कैसे डिलीवरी बॉय रिएक्ट करते हैं, आपके साथ जो भी अदर वर्कर्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपकी किसी किसी बातों पे। वैसे भी ये सब पॉसिबल हो पाया अनएक्सपेक्ट की तरफ से, तो चलते हैं अब आगे वीडियो की ओर और अभी सब बता दूंगा तो आगे जाके क्या देखोगे आप लोग, तो चलते हैं वीडियो की ओर। यार भाई टाइम नहीं कट रहा यार, क्या करें। मैच देखता है? हाँ भाई देखता हूँ ना। कभी कुछ कमाया है कि नहीं कमाया इससे? नहीं। खुशी ही कमाओगे, कभी जिंदगी में बेनिफिट करोगे कि नहीं करोगे अपना? तो भाई कैसे कमाया मैच से पैसे? इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच देखा है अभी? हाँ भाई बहुत कर्रा लगा यार। देख क्रिकेट तो देखो पसंद है ही, इसके साथ साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल, ई स्पोर्ट जैसे बहुत सारे गेम है इसमें। चल ठीक है भाई ये तो गेम हो गए, लेकिन इसका मैं करूँ क्या? अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पे तू बैट खेल सकता है। पर भाई बैट लगाना तो मुझे आती नहीं है। 1x बैट के बारे में कभी सुना है तूने? नहीं। अरे यार वहाँ पे अपने बहुत सारे भाई लोग बैठे हुए उस ऐप में, जो कि मेक श्योर करते हैं आपको बेस्ट टीम पे बेस्ट विनिंग मिले। भाई ये तो बहुत सही ऐप है यार। इधर सब्सक्राइब तो करके रखा है ना तूने मेरे चैनल को? भाई सबसे पहले करा था। फिर तो एक तेरे लिए खुशखबरी है। बता बता। फर्स्ट डिपॉजिट पे $100 भी मिलेंगे तुझे तो। क्या कह रहा है भाई, तू ही भाई है मेरा। तो बाबा घबराने का नहीं, अपनी बेस्ट टीम पे बेट लगाने का और पैसा कमाने का और माला माल हो जाने का रे बाबा। तो भाई जल्दी बता मुझे कहाँ से मिलेगी वाली ऐप? लिंक और प्रोमो कोड मैंने पिन करके रखी है कमेंट सेक्शन में, तो जाके देख ले मेरे छोरे। अब बेड करके देता हूँ। सिराज भाई सब सेट है? सब रेडी है भाई। मेरी तरफ से भी सब सेट है, जो कि जोमेटो का ऑर्डर में दे चुका हूँ कोल्ड कॉफी का, और करीबन करीबन 15 से 20 मिनट में आ जाएगा क्योंकि मेरे घर के पास ही सागर के लिए शॉप है, वहाँ से आ जाएगा। और ये एक और कैमरा है हिडन, जो कि नहीं दिखेगा लाइट बंद होने के बाद अंदर वाला। वंश भाई और पिंटू भाई संभालेंगे इसको। बिल्कुल पीछे छुप जाएंगे हम लोग। ठीक है। सिराज भाई का फोन भी सेट है। सिराज भाई आपके फोन की बलि चढ़ चुकी है हमारे। मेरा फोन टूटा तो आपके फोन को कोई दिक्कत नहीं होगी। रोने का नहीं। सिराज भाई बहुत रही थे, ये अपना कैमरा सेट हो चुका है बिल्कुल, और तीन कैमरे हैं, एक वो एक ये दिखाई चुका हूँ मैं आपको जैसे की, और ये वाला जो कैमरा जो मैं अभी पकड़ा हुआ हूँ ये हमारा सिराज हैंडल करेगा। 5-7 मिनट और वेट करते हैं भाई। सेट है भाई साहब। एक मिनट। अरे वो कहाँ है यार? हाँ भैया आपका ये जोमेटो से ऑर्डर आया था सागर ग्रीस का। कितने रुपए? तो एक काम कर, तू एटीएम से निकाल लिया था। तेरे एटीएम से निकाल ला। कार्ड ही दे दे यार। मेरा कार्ड नहीं है। चल मेरे लिए भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा यार। आप आ जाओ अंदर बैठ जाओ। टेंशन क्यों ले रहा है आप? अंदर बैठो। 2 मिनट ठीक है। गली के नुक्ते पे है, मैं आप लेकर आता हूँ। ठीक है।
पानी वानी लेंगे आप? लाके देना भाई, पूछने की बात है क्या कोई? ठीक ठीक ठीक। जी भैया, भैया कहाँ पे लेके आना ऑर्डर आपका? भैया मैं इधर आया हूँ, 15 मिनट लगेंगे मेरे को, मैं ऑर्डर लेके पहुँच रहा हूँ आपके पास। ठीक ठीक भैया। चला गया क्या भैया वो? हाँ भैया अभी गया मैं। और भैया सुनाओ क्या हाल चाल? बस भैया क्या ऐसे बढ़िया चल रही है। बढ़िया, कहाँ के लिए था भैया? आप देर हो गई यार आने में, 40-45 मिनट लगा दिया। भैया ट्रैफिक हो रहा था, टाइम लग जाता है भैया, ट्रैफिक हो रहा था, फिर इधर से निकल के आना, ये जो ब्रिज पड़ता है ना वहाँ ट्रैफिक लग गया था, इसलिए भी लेट हो गया। और रेस्टोरेंट पे भी थोड़ा क्राउड हो रहा था। कहाँ से? सागर से ही ना? हाँ अशोक। और कितना नाम है भैया? क्या होता है ऐसी कर रहे हैं, घर पर चला के क्या ऐसे मैनेज नहीं हो पाता क्या? कहाँ होता है भैया, इससे इन सब चीज़ों से कितनी मेहनत करते हैं, धूप देख रहे हो आपको कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक करते जब जाके 400-300 रुपये कमाते हैं, पर अभी पेट्रोल भी देख रहे हो आप कितना महंगा हो गया। लेकिन ठीक है, अभी दूसरी जॉब भी देख रहे हैं, सर कोई मिल रहा है अच्छी जॉब तो चलो अगर होता है तो भाई मैं भी बिल्कुल बताऊँगा आपको, कोई दूसरी जॉब को कर लेंगे सर, यहाँ पे तो नहीं कमा पाते इतना। क्यों भैया वो अभी जोमेटो का भी चल रहा है यार, उसके बारे में कुछ? अच्छा आप लड़की वाले केस का बोल रहे हो क्या? जो भी बोलो। अरे भैया ऐसा नहीं होता यार, लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, आप देख रहे हो धूप में परेशान होते हैं, कैसे के भैया ऐसे कर देंगे, कोई किसी को कैसे मार सकता है, लड़की को कैसे मार सकते हैं? वो वीडियो मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो फेक है वीडियो, वो वीडियो ना मेरे को लगता है फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने के लिए ना उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो कि फेक है, और अभी शायद उस लड़की पे शायद केसेस वगैरह। बाकी भैया मेरे को पता चला था कि उस लड़की पे केस हुआ, पर उस लड़की का गलत तो था। गलत था भैया, किसी गरीब आदमी को अब देखो 300 रुपए के लिए हम लोग दिन भर परेशान होते हैं। जोमेटो भी इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, आप उसी के ऊपर इतना वो कर रहे हो तो मेरे को लगता ही गलत है। भैया मुझे नेचर नेचर के आपका नेचर इतना अच्छा लगा, आपने बिठाया उनको पानी के लिए बोला, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं बैठ गया, नहीं तो मैं ऐसे दिन भर जाता हूँ लेकिन कहीं बैठा नहीं वैसे। अरे मुँह ATM से कैश निकल ही नहीं रहा, 500 की नोटी है। कहीं से तो लेके आना, सामने वाले को बिठा के रखा और तुम बोल रहे हो कैश नहीं है। तो भाई ये नहीं तो मैं क्या उसमें डाल दूं फिर निकालूं पैसे? तुम फोन पे कर दो या फिर मेरे को यार, मतलब मैं तुम्हें 500 का नोट दे देता हूं। तब क्या 500 है? हां तो मैं आपको चेंज दे दूंगा ना भाई, आपको चेंज दे दूंगा। चेंज है आपके पास? हां है भाई, पहले ही बोल देते यार, मैं गया भाई के लिए। इसको से पैसे तुमने निकाले? अरे लगा नहीं निकाले पैसे, 2 5-500 के नोट थे भाई। भाई मैं नहीं निकाले, मैं निकालूंगा, हमारा कर रहा है। ये कौन सी बात है भाई, तो इसमें से चला ना जा रहा है तेरे पास? तो झूठ बोलूंगा मैं, खुले के चक्कर में बोल रहा था क्योंकि मैं क्या करूंगे जेब में मैं देख। अरे नहीं है भाई, मेरे को जब पता है मैंने पर्स में रखे, मेरा पर्स मेरे को नहीं पता होगा कि किस में पैसे रखे होंगे, हद कर रहा है तू भी। भैया जल्दी कर, तो मेरे को जाना है भैया, इसलिए बोल रहा हूं लेट हो रहा हूं। एक तो 1000 रुपए गायब हो गए, उसके बाद भाई को लेट हो रहा है यार। तो भैया सब मेरी गलती थोड़ी है, आप लोग देखो क्या करा है आपने। तुम्हारी गलती क्या भाई, मैं सामने वाले को बोल के गया था 1000 रुपए मेरे तो गायब हो गए ना यार। तो भैया इसमें मैं क्या करूँ, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम कर भी क्या सकते हो भाई, 1000 रुपए तो मेरे गायब हुए ना भैया। मेरे पास चेक कर लो, मेरा वॉलेट चेक कर लो, मेरे पास नहीं है भाई। ये सही है, मतलब वो उस लड़की की नाक फूटी थी, मुझे क्या ही बोलूं भाई, मैं अलग ही सिस्टम है यार तुम लोगों का। अरे भैया सच में नहीं है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने से मेरे पास कैसे होंगे पैसे, मैं थोड़ी निकालूंगा, मतलब आप मेरा मतलब मेरा बोलना चाह रहे हो क्या? भाई मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो
तो भैया मेरा पेमेंट कर दो, मेरे पास फोन आ रहा है, देखिए आपका भाई मेरे पास फोन आ रहा है। ये तो पर्स में ना, हम दो तो निकालेंगे नहीं, दूसरे का कैसे निकाल लेंगे क्या? तो भैया मैं बात तो यही है ना कि तुझे छोड़ के नहीं जाना था, सामने वाला तो यही समझेगा। तो अरे भाई मैं कितनी देर एक से एक मिनट के लिए आया हूँ, और सिर्फ भैया तुम ही तो थे वैसे यहाँ पे, और कोई था भी नहीं। भैया मैं भी जिंदा, मैं कहा मेरी जेब चेक कर लीजिए, मैं आपके सामने बैठा था भैया। यार जेब चेक करने की बात, भाई देखो दो लोग हम लोग थे, एक तीसरे व्यक्ति यहाँ पे आए, ना उसके पास ना मेरे पास, तो क्या कहा? सीधी सी बात है, इसमें पैसे थे, मुझे नहीं पता पैसे भैया मैंने नहीं निकाले भैया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं निकाले भैया, मेरा भरोसा करो भैया, मैंने सच में नहीं निकाले भैया, मानो भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार। नहीं है रोने बोने वाले गाने भैया, हमने सच में नहीं निकाले भैया, रोने वाले काम मत करे ना। रही बात पैसे की, तो भाई गायब हुए, मुझे नहीं पता, मेरे पर्स में से 1000 रुपए जा कहां सकते हैं भाई? मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे हो भैया, मैंने नहीं निकाले, मैं आपको बोल रहा हूँ वही बात भैया, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। क्या करूँ भाई भैया, मैं 300-500 रुपए के लिए चोरी थोड़ी करूंगा भैया, आपने मुझे घर में बैठा लिया, 1000 के पूरे भैया आपने मेरे को एक तो घर में बिठा लिया, ऊपर से इल्जाम लगा रहे हो मेरे। आप एक काम करिए भैया, मैंने देखिए आप मेरे, आप जेब चेक कर लीजिए भैया, मेरे पास फिर वो दिक्कत होती है, लफड़े होते हैं भैया। नहीं किया मैंने भैया, आप समझ ही नहीं रहे हो। तो भैया आए गए कहाँ ये तो पता चले भैया, मुझे नहीं पता, आप देख लो अपने आप से, आप नहीं दे रहे भैया, मत दो पैसे, मैं जा रहा हूँ, मेरे को एक ऑर्डर देना है। आप जा रहा है? मैं कैसे दूं पैसे, मैंने निकाले नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं यार। तो क्या आप बिना पैसे लिए चले जाओगे? भैया मैं अपनी जब से मिला दूंगा, आप ऐसा कर रहे हो, मतलब मेरे को सच में डर लग रहा है। मेरे तो पैसे गायब हुए, मैं आप पे कुछ इंजाम लगा रहा हूँ, मैं तो आपसे यही बोल रहा हूँ, बिना पैसे लिए चले जाओगे? तो बोल रहे हो दोनों की आपके पास बिना पैसे लिए चले भाई, जब एक बात सुन दो भाई, पैसे तो गायब हुए ना मेरे, पूरे 1000 रुपए का आया हुआ 200 के चक्कर में भाई। ये काम कर यार, बोल रहा हूं यार, ये प्रेम हो रहा था ऐसा ना, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो यार, आप बहुत अच्छे व्यक्ति दिखते हैं, ₹200 छोड़ने के लिए मतलब बोल दिया था उन्होंने भाई, ₹200 भैया। मैं भाई देख ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे हम लोग, पहला कैमरा वो है, दूसरा कैमरा ये है, तीसरा कैमरा ये है, मैं माफी चाहूंगा भाई, हम लोगों को करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, पर हम लोगों को जनता को लाइव ये दिखाना था कि जोमेटो वाले हमेशा सारे क्या मेरे हिसाब से होते ही नहीं यार, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं दिन भर और इस तरीके से उन पे आरोप लगाते हैं, उनकी नाक फोड़ देते हैं लोग, ये तो मेरे को लॉजिक वाली कहीं से कहीं तक बात ही नहीं लगी। पैसे निकाल के भैया कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे लिए ये कोल्ड कॉफी भी तेरे लिए नहीं रख ले भाई, मेहनत वाली बात है ना, कभी कभी कोई चीज अच्छी रहती है। तो अभी मैं फिलहाल तो मेरे को छोड़ के आया हूँ, बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो, मतलब मेरे को बोलते तक नहीं आ रहा है कि हमने उसको इस तरीके से परेशान करा, मुझे ये चीज खुद बुरी लग रही है, पर नहीं करना चाहिए था हमें, पर एक रियलिटी लाइफ तो देखने को मिल गई इस तरीके से कि मतलब सामने वाला कितना रियल था, वो अपने 200 रुपए तक छोड़ने को तैयार था सिर्फ वो 1000 रुपए के चक्कर में, चोरी हुए नहीं हुए वो बात की बात है, पर सामने वाले ने 200 रुपए त्याग दिए, तो मतलब अगर ये पर्सन कुछ है ही नहीं आप लोगों को पता है कि आपका मोरल चल क्या रहा है, किस तरीके से फेक न्यूज फैलाई जा रही है जोमेटो के खिलाफ, गलत तो लड़की थी मैं मानूंगा, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं फिलहाल, और सॉरी जोमेटो वाले भैया, मैं दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। चैनल तो सब्सक्राइब करवा दिए ना, वो वीडियो देखेंगे कि नहीं भाई? हाँ वीडियो देखेंगे भाई, भाई ने मस्त सब्सक्राइब करा है, फोटो लेकर के गए भाई, और खुश होकर के भी गए, उन्हें जितना परेशान करा था उतना ही खुश होकर गए, और सभी भाई लोगों को थैंक यू भी बोल दो, इस भाई लोगों को थैंक यू भी बोल दो, और हाँ थैंक यू धन्यवाद, चैनल पे लाइक कर सब्सक्राइब करें फॉलो करें। और इसके बाद पैसे नहीं थे, इसके बाद पैसे नहीं थे, आई पर्स की एक जेब में पैसा नहीं है, एक जेब में कागज फंसा के रखा हुआ है, सिर्फ 5-5 के दोनों चिल्लर तक नहीं, दोनों सफाई दो हिमांशु भाई, सफाई दो, सफाई दो। देखो बात सफाई की नहीं है, मैं पर्स में पैसे वैसे भी नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, इस वजह से मेरे पर्स में पैसे नहीं था, आज तो क्यों नहीं ऑनलाइन पेमेंट जोमेटो को देने के लिए आज नहीं दी फिलहाल, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखे वो लोग जो इस तरीके के फ्रॉड करते हैं, और हाँ
जल्दी से जल्दी शेयर करें और 50,000 करें। और काफ़ी मज़ा आया होगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और भाई का नेचर काफ़ी अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था, मतलब इस तरीके से कॉपरेट तो कोई करता नहीं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे भी नई वीडियो आती रहेंगी, तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। बाय बाय।